हेलोजन लैंप इनकंड लैम्प का एडवांस्ड फॉर्म होता है नॉर्मल इनकंडसेंट लैंप में इनर्ट गैस का यूज किया जाता है जिसमें फिलामेंट का इवापोरेशन होने लगता है ड्यू टू हायर टेम्परेचर एज अ रिजल्ट फिलामेंट का जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाता है जबकि हेलोजन लैम्प में हेलोजन गैस का यूज करते हैं जो कि इन लैंप के डिफिकल्टी को ओवरकम करता है इफ़ यू आर न्यू ऑन दिसल प्लीज सब्सक्राइब दि चैनल एंड प्रेस दिन फॉर रेगुलर अपडेट्स हेलोजन लाइफ का आउटर ग्लास क्वार्ज मटेरियल का बना हुआ रहता है क्वार्ड्स ट्रांसपेरेंट एंड प्योर सिलिकन डाइऑक्साइड होता है जो कि हायर टेम्परेचर को सस्टेन करता है यहाँ पे टस्टन फिलाेंट है जो कि क्वाइल के फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट है इसके आउटर ग्लास एंड फिलामेंट के बीच के डिस्टेंस को इतना रखते हैं कि आउटर ग्लास का टेम्परेचर बिलो 1900 हंड्रेड रह सके सर्टेन अमाउंट में नाइट्रोजन एंड आर्गन को हेलोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं जो कि हेलोजन गैस के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है जिसके कारण जो लैंप है वो लॉन्ग टाइम तक हायर टेम्परेचर को सस्टेन करता है विथ हायर लूमिनस इफिसियंसी यहाँ पे लैम्प का टर्मिनल सॉकेट है जिसके साथ सप्लाई वायर एंड इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहता है इस पोर्शन को बेस बोलते हैं जो कि हेलोजन लैम्प को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक सपोर्ट वायर इन द इकैंडसेंट लैम्प हेलोजन लैंप में हेलोजन गैस का इम्पोर्टेंट रोल होता है जब टंगस्टन फिलामेंट हाईली हीट होता है तो टंगस्टन का इवापोरेशन होने लगता है एंड जो हेलोजन गैस है फिलामेंट के ऊपर रिटर्न बैक कर देता है इस प्रोसेस को हेलोजन साइकिल बोलते हैं जब फिलामेंट इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस एसी सप्लाई देते हैं तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लोंग करंट फ्लो करती है सिंस टंगस्टन एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है जिसके कारण करंट हीट के फॉर्म में यूटिलाइज होने लगता है ड्यू टू आई स्क्वायर लॉस एंड टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है सो फिलामेंट हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है एज अ रिज़ल्ट फिलामेंट में जो एटम्स रहता है वो थर्मली एक्साइटेड हो जाता है एंड एटम्स के आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी की ओर जंप करता है जो कि हायर एनर्जी लेवल पर स्टेबल नहीं रहता है एंड अगेन लोअर एनर्जी लेवल की ओर फॉल बैक करता है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन्स फॉल बैक करता है तो वो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन्स के फॉर्म में रिलीज करता है जो कि फिलामेंट के सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है एंड विजुअल लाइट प्रोड्यूस करता है टंगस्टन हेलोजन लैम्प का यूज़ एज एन आउटडोर लाइटिंग स्पोर्ट लाइटिंग थिएटर स्टूडियोज एंड टेलीविज़न लाइटिंग के लिए किया जाता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके